और उसके साथ एक लड़की भी थी गाड़ी में, और एक दो मीटर के लिए वो बच गए। डेंजरस है इधर। फोन किया, कोई आया नगर सेवक को मैसेज गया, फोन आया ही नहीं। एक घंटा हो गया, किसी को लगा रहता तो कितना। वही वही, इसको निकालने को क्रेन लगेगी। पूरा ये पेड़ है ना, ये गाड़ी पे आके गिर गया। ओ माय, ओ सैड मैन। सरदार जी है, उनकी गाड़ी है। तो इन लोग ये सब क्लियर कर रहे हैं रास्ते को। इसको निकालने को क्रेन लगेगी। डेंजरस है इधर। अभी फोन किया, कोई आया नगर सेवक को मैसेज गया, फोन आया ही नहीं। वही तो, एक घंटा हो गया, किसी को लगा रहता तो कितना। नगर सेवक है, बोलता है मैसेज आया है, तो आया किधर है, कोई गाड़ी ही नहीं है। अभी आम आदमी करेगा ना, ये तुरंत आना चाहिए। हाँ तुरंत आना चाहिए। बीएमसी का काम ये सब अभी ये लोगों को करना पड़ रहा है। तो उन्होंने गाड़ी अभी निकाल ली। नहीं नहीं, किसी को नहीं लगा। क्या करेगा अभी, ऐसे टाइम में कोई नहीं आ रहा, अपन को हेल्प करना पड़ेगा। कोई नहीं आ रहा, चला आधा हो, स्टार्ट हो गई। ये है ना शाह करके मैडम। तो ये माटुंगा का एरिया है, और माटुंगा ईस्ट में है। तो जैसे कि आपने देखा वहाँ पे, वो पेड़ इतना बड़ा पेड़ था, और वो लड़का गाड़ी चला रहा था, और सडनली उसके ऊपर पेड़ आके गिरा वो गाड़ी पे, और उसके साथ एक लड़की भी थी गाड़ी में, और एक दो मीटर के लिए वो बच गए। तो अभी वो मतलब बहुत बड़ी इंजरी या यू नो इवन डेथ, इवन मर जाते थे वो लोग। लेकिन बात ये है कि बीएमसी या जो भी इन्होंने कंप्लेंट की लोगों ने कि एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, लेकिन वहाँ पे ना स्टिल वो लोग आए नहीं वो पेड़ हटाने के लिए, और वो लोगों ने ही फिर वो गाड़ी को थोड़ा सा निकालने वहाँ से निकालने के लिए वो पेड़ को थोड़ा हिलाया, और फिर जाके वो गाड़ी निकली, और फॉर्चुनेटली वो गाड़ी। मुझे ऐसा बहुत हो रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और ये करूँ, तो मेरा फिजियो का ट्रीटमेंट चालू है। मेरे शोल्डर, मेरा नेक से लेके शोल्डर तक थोड़ा ये इसका ट्रीटमेंट चालू है, और वो पेड़ उठाने का मतलब आप सोच सकते हो कि इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये हो रही थी। लेकिन वहाँ पे फॉर्चुनेटली इतने सारे लोग थे, एक घंटा हो गया, आपने वीडियो में सुना रहेगा, कोई नहीं आया। वहाँ के जो लोग थे जो हेल्प कर रहे थे, आम आदमी, कोई कैजुअलिटीज नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इंजर्ड होता या कुछ होता तो उसको मतलब इट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर अ सिटी लाइक मुंबई यार। और पुलिस का तो मैं हाथ ही जोड़ता हूँ, पुलिस का तो मेरे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुलिस चौकी एक दो मिनट की दूरी पर है, वहाँ पे एक पुलिस नहीं है। नॉर्मली वो रस्ते पे अगर नॉर्मल डे रहेगा तो वहाँ पे कितने बार वो पुलिस फेरी मारती है। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जाके आप वो ठेले वालों से पूछो, सैंडविच वाले, पानीपुरी वाले, जो भी है, या फिर कॉलेज स्टूडेंट से पूछो, रुइया, वेलिंकर, पोदार, खालसा, SIW। तो ये जो कॉलेजेस है यहाँ पे, BJTI का एरिया जो है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ बच्चे आते हैं, और वो लोग यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने को आते हैं। वो लोग इतने बुद्धू नहीं है कि कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे करे। मुंबई में ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो कुछ गलत करते हैं क्या, कोई ज़बरदस्ती करता है क्या किसी के ऊपर? अगर किसी के ऊपर किसी ने ज़बरदस्ती की, हाँ तो बेशक उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनके साथ कार्रवाई करो। लेकिन ये लोग तो, ये तो हद ही हो गई। कार में झांक झांक के पुलिस देखती है कि कौन क्या बैठा है। अरे उनकी कार, उनका पेट्रोल, उनका दोस्त, जो भी है, तुमको क्या करना है कि आपको यही खतरनाक चीज दिखती है, आपको उनको टारगेट करके तुमको क्या मिलेगा? आपका यही रह गया, बराबर कि नहीं?
हाँ ठीक है, एक 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 मामले में आप लोग जो कर रहे हो वो सेफ्टी के लिए कर रहे हो, लेकिन वो वही अपना लाइफ का लक्ष्य मत बनाओ ना। आपको क्या पगार के लोगों को किस करने से रोकने के लिए देते हैं क्या? बाकी सब इतनी सब चीजें हो रही है, वो पेड़ गिर रहे हैं, उधर जाके उधर जाने को नहीं होता है तुमको। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाओ, और ऐसे जब हादसे हो तो एटलीस्ट बी बिट रिस्पॉन्सिबल। आपकी प्रायोरिटीज जरा सा सुधारो। बीएमसी के पास इतना सारा पैसा है, रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो बजट है इंडिया के कई सारे स्टेट्स से ज्यादा है। आप सोचो एक सिटी का बजट, इट इज मोर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आप सोचो कि कितना पैसा है इन लोग को ना, ये खड्डों में बहुत मजा आता है। और दूसरी बात ये है, जो अनअधिकृत बांधकाम बोलते हैं ना इन लोग, अभी स्लम्स में अगर किसी ने एक रूम भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो उसको नोटिस भेज देते हैं। अभी ऐसा पेड़ पेड़ गिर जाता है तो तुम्हारा कहाँ जाता है तुम्हारा नोटिस, वेयर इज इट? और फिर भी ये बीएमसी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्किंग फाइन 10,000 कर दिया इफ यू पार्क योर व्हीकल इन अ नो पार्किंग जोन विद इन 500 मीटर्स ऑफ अ पब्लिक पार्किंग लॉट। अभी समझो पब्लिक पार्किंग लॉट में जगह नहीं होगी तो अभी अर्जेंट है, तुमको कहाँ पे लगाओगे तुम गाड़ी, कहाँ पे, मतलब उसको क्या गायब कर दोगे? तो अभी किसी को अर्जेंसी रहेगा, कुछ रहेगा, इतना फाइन भरने का मतलब। अभी सोचो बीएमसी को 35 पब्लिक पार्किंग लॉट्स बनाने का प्रपोजल था, ये 2007 की बात है आई थिंक। और उसमें से आप देखो कि मुंबई में कितने पब्लिक पार्किंग लॉट्स फंक्शनिंग है, कितने हैं? 10 भी नहीं होंगे। बाकी के किधर गए? बाकी की जगह बेच दी, मॉल बना दिए, किधर करेगी पब्लिक पार्किंग? तो उसमें अभी जो भी पब्लिक पार्किंग लॉट्स, जो भी 5-6 पब्लिक पार्किंग लॉट्स है, उसमें जगह होती है क्या? बाइक घुसाने की भी जगह नहीं होती है, उधर कार क्या घुसड़ोगे तुम? वो कार है, गन्ना नहीं है, जिसे घुसाने के बाद जूस निकलेगा और छोटा हो जाएगा, समझे कि नहीं? इट इज दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। 10,000 रुपया, 10,000, दिस लाइक रैम्पेंट करप्शन मैन। और ये रोड्स का तो छोड़ ही दो, रोड्स का तो लोग 10 सालों से बोल रहे हैं, वही वही मतलब रोड बनाते जाओ खड्डे होते जाएंगे, बनाते जाओ खड्डे। और कॉन्ट्रैक्टर्स, इन लोग लिस्ट जाहिर करते हैं न्यूज़पेपर्स में कि ये सब ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स है, और फिर वही कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ सालों के बाद वापस वो उनको काम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो ये कौन सा मतलब ब्लैक लिस्टिंग है? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इट इज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर अ ब्यूटीफुल सिटी लाइक मुंबई। ब्यूटीफुल बिकॉज, मैं ब्यूटीफुल क्यों कहता हूँ मुंबई को, बिकॉज मुंबई ये एक कर्म की जगह है, यू नो, इट इज अ प्लेस वेयर हार्ड वर्किंग पीपल आर देयर। वो जो बहुत मेहनत करते हैं अपने फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड, और उनको दे डिजर्व समथिंग गुड, दे डिजर्व अ गुड रिस्पॉन्स टाइम इन केस अ कैजुअलिटी लाइक दिस ऑकर्स। ऐसी अगर दुर्घटना हो तो उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए कि नहीं? आप उनको हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? 10 मिनट में आओ, भले आप 15 मिनट में आओ, लेकिन 1 घंटे के ऊपर आप लोग नहीं आते हो, मतलब अबे कोई मर रहा रहेगा उसका मतलब क्या होएगा, क्या मतलब क्या हाल क्या होगा, क्या बोलूँ अभी इसके ऊपर? और वही मैं सोच रहा था। तो एनीवेज गाइस, अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो देन प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ अगर आप शेयर नहीं करोगे तो क्या मतलब, इनका इनका काम तो यही चलते ही रहेगा, इनका रिस्पॉन्स आज 1 घंटा है, कल 3 घंटे में आएंगे, समझ रहे हो ना?